वालेकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर मोहित हॉबी। आज आपको तोते चूजे के पाँव के बारे में बताएंगे। ये पार्ट टू है। आपने सुई से जहाँ पे रेशा और ना हवा होएगी वहाँ से आपने सुई मार के रेशा हवा निकाल देनी है। इसके बाद आपने इसको पैंट और लाजमी देनी है, इससे इसकी दर्द कम हो जाए। उसके अलावा आपने सुई को आगे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, जिससे सुई के बैक्टीरिया जो आगे लगेंगे वो ख़त्म हो जाए। गर्म गर्म सुई नहीं लगानी है, ठंडी सुई आप करके फिर आपने रेशा निकालना है। जिस तरह आप देखें मैं रेशा निकाल रहा हूँ, और थोड़ी दर्द तो हैगी इसे, पर यह मजबूरी भी है। पार्ट वन देखनी है तो आई बटन में आप देख सकते हैं पार्ट वन। ये पार्ट टू है। ये देखिए रेशा निकला है, मेरे उंगली में लगा हुआ है। मैं हाथ से एक हल्के से आपने सुई मारनी है, उसके बाद आपने उंगली से हल्का 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 करके निकालना है। मैं थोड़ी सी वीडियो तेज़ कर दूं। अगर कहीं से खून निकल आता है ना, ज़ख्म हो जाता है, तो आपने रोज़ से साफ करके पैंट और लगा देनी है ऊपर, जिससे इसका ज़ख्म सही हो जाए। जिस तरह देखें कि मेरे अबू रेशा साफ कर रहे हैं। बाकी आपने इसको पैनाडो लाजमी देनी है, बाद में जो दर्द ना हो। पहले इस राह किया कितना कम हो गया हुआ, आपको ख़ुद फ़र्क लग जाएगा। अगर आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको किसी भी हॉस्पिटल ले जाएं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होएगा कोई आपके शहर में, उधर ले जाएं। ना प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएँ, प्राइवेट डॉक्टर भी आ रहे पैनाडोल लगाने लगा हूँ, वहाँ से खून निकल रहा था। अब वो हर जगह इसलिए लगा रहे हैं कि इसको दर्द ना हो और बैक्टीरिया ना लगे। हम इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।